पीएचडी करने वाले हैं, हमने कुछ चीजों को ले लिया यहाँ पे जो हम डेली यूज करते हैं, तो इनको हमने चेक करना है, इनका सोल्यूशन बनाना है हमने, तो इनको हमने देखना है कि वेदर दीज आर एसिडिक आर, ये कैसे हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर्स। यहाँ पे लिटमस पेपर्स मेरे पास है, ठीक है, ऑलरेडी हमने लिटमस पेपर्स के बारे में पढ़ा है, दीज आर आवर लिटमस पेपर्स। तो ये क्या सीखा आपने आज? आज हमने सीखा, जब हमने लेमन सॉल्यूशन लिया तो हमने लिटमस पेपर लिया, एक तो हमने ब्लू लिटमस लिया, दूसरा हमने रेड लिया। जब हमने वही लेमन सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर में डाला तो नो कलर चेंज, वो कलर लेस हो गया, जैसे वो था वो ऐसे ही हो गया। और जब हमने वही लेमन सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो वो डीप पिंक हो गया। तो हमने सीखा द वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक। हमने एक टमाटो लिया और हमने इसको कट किया, फिर हमने इस बीकर में डाला, फिर हमने इस पर पानी डाला, फिर ये सॉल्यूशन बन गया। फिर हमने यहाँ पे एक रेड लिटमस पेपर लिया और ब्लू लिटमस पेपर लिया, जब हमने ब्लू लिटमस पेपर टमाटो का सॉल्यूशन डाला तो इसका कलर पिंक होगा, डीप पिंक होगा इसका कलर। जब हमने रेड लिटमस पेपर लिया तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। जो ब्लू सॉल्यूशन है डीप पिंक एसिडिक सॉल्यूशन। मून थ्रो एस वाटर स्मस पर को एस मिक्स सी बना सॉल्ट कॉमन सॉल्ट बट उन एस कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बट इन एस लिटमस पेपर द ऑफ रेड लिटमस पेपर द ऑफ ब्लू लिटमस पेपर बट इन एस थ्रो रिबाइंड द ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर से बिल ब्लू लिटमस पेपर अमज नशाम एसिडिक नशाम बेसिक। पहले हमने घर में शैम्पू लाया, क्लिनिक प्लस शैम्पू, फिर इसको वाटर ऐड किया, फिर हमने दो लिटमस पेपर लाया और एक ब्लू था और एक रेड लाया। फिर हमने ड्रॉपर की मदद से हमने इस शैम्पू सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डाला, इसमें नो कलर चेंज हो गया। फिर हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे, इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं हो गए, ना ये बेसिक है ना ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, शैम्पू सॉल्यूशन। लिटमस पेपर लिए, एक है ब्लू लिटमस पेपर, एक है रेड लिटमस पेपर, और हमने घर से ये नमक लाया, फिर हमने इसमें वाटर ऐड किया और हमने इसको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। फिर हमने ड्रॉपर लिया, फिर हमने रेड लिटमस पेपर पे ड्रॉपर की मदद से कॉमन सॉल्ट डाला। रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आई और हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे, पता नहीं इसमें चेंज आई कि नहीं। हमने ब्लू लिटमस पेपर में भी डाला और इसमें कोई चेंज नहीं आई। हमें इससे ये पता चलता है कि जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं ना वो बेस है और ना एसिडिक है, वो न्यूट्रल है। पहले लिटमस पेपर दो लाए, हमने पहले घर से नमक लाया, फिर उसमें वाटर मिक्स किया, वो बन गया साल्ट, फिर हमने लिटमस पेपर दो लाए, ब्लू लिटमस पेपर और लेड लिटमस पेपर, फिर हमने उन पे ड्रॉप डाला और ब्लू लिटमस पेपर पे, फिर लेड लिटमस पेपर पे डाला, उनका कलर चेंज नहीं होगा, इसलिए वो न बेसिक है न एसिडिक है, वो न्यूट्रल है। क्या सीखा आज?
क्या किया हमने सोप सॉल्यूशन का, मुझे बता कैसे हमने सोप सॉल्यूशन तैयार किया, फिर हमने क्या देखा है? पहले हमने लिया पाउडर सोप, फिर उसमें हमने वाटर डाला, फिर सॉल्यूशन वो बन गया। फिर एक ड्रॉप हमने लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर पे डाला। जब हमने पेपर पे डाला दूसरा ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पे डाला। जब हमने रेड लिटमस पेपर पे वो डाला तो उसका कलर जो हो गया वो ब्लू हो गया, और जब हमने ब्लू लिटमस पेपर वो डाला तो वो कलर लेस हो गया, नहीं होगी। तो इससे सीखा हमने कि जो सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर है।